हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एकदम शानदार ट्रिक। आपने से सुना एकदम शानदार ट्रिक। उस ट्रिक का प्रयोग करके आप इंस्टाग्राम पे लगने वाले आपकी स्टोरी को अपने फ़ोन की गैलरी में बड़ी आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हो। बड़ी आसानी से आप उस ट्रिक का प्रयोग करके अपनी फ़ोन की गैलरी में आसानी से वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो और उसे अपने फेसबुक, व्हाट्सअप की स्टोरी पे या स्टेटस पे लगा सकते हो। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले क्या करना है, आपने इंस्टाग्राम ओपन करना है। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद में आपको एक अच्छी सी स्टोरी लगानी है, जिस स्टोरी को आपको गैलरी में डाउनलोड करना है वो स्टोरी आपको इंस्टाग्राम पे लगानी है। अच्छे से आप उस स्टोरी को इंस्टाग्राम पे अच्छे से लगा लीजिए। जब इंस्टाग्राम पे स्टोरी लग जाए तो आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना, सीधे अपने फ़ोन के अंदर आना और क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद में सबसे पहले ऊपर जो सर्च बार है उसके अंदर सर्च बार में हमें लिखनी है इंस्टा स्टोरी सेवर। कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं करना अपन को, डायरेक्ट अपन को ऑनलाइन स्टोरी डाउनलोड करनी है। थर्ड पार्टी ऐप का प्रयोग हमें नहीं करना है। सीधी सीधी आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कीजिए। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद में अपने जो क्रोम ब्राउज़र के ऊपर सर्च बार दिख रहा है उसके अंदर लिखिए इंस्टाग्राम स्टोरी सर्वर या इंस्टाग्राम स्टोरी डाउनलोडर। जो पहली वेबसाइट आएगी इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में नया पेज खुलेगा। इस नए पेज के अंदर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे मांग रहा है इंस्टाग्राम की आपकी आईडी। आप जिस किसी की भी आईडी आपको याद है या तो अपनी आईडी लो, इस यहाँ पे अपनी आईडी डालो। आईडी डालने के बाद में आपने जो भी स्टोरी लगा रखी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। शो होने के बाद में नीचे लिखा है डाउनलोड, आप वहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कीजिए और उसे डाउनलोड होने दीजिए। डाउनलोड जैसे हो जाएगा आपकी फ़ोन की गैलरी में ये वीडियो आ जाएगा। फ़ोन की गैलरी में वीडियो जैसे भी आ जाता आप इसे आसानी से अपने व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे या फेसबुक पेज पे या फिर कहीं भी अन्य प्लेटफॉर्म पे आप डाउनलोड डाल सकते हो उसे। आपको वीडियो कैसे लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करना भूलें। धन्यवाद।